तो दोस्तों आज के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आईक्यू जी सेवन अभी अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है और दोस्तों जैसे ही इंडिया में आईक्यू जी सेवन यानी जेड सेवन स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है तब से दोस्तों जो बाकी आईक्यू के जेड सीरीज के स्मार्टफोन है उस पर आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक आईक्यू का स्मार्टफोन है जो करीब करीब दोस्तों यहाँ पर एक साल पहले लॉन्च हुआ था दोस्तों, जिसका नाम है आईक्यू जेड सिक्स, जिसमें आपको 44 वाट की जो है वो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो उसकी प्राइस दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। इस स्मार्टफोन में आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन आपको इस प्राइस में, जिस प्राइस पर ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल रहा है डिस्काउंट के साथ, उस प्राइस में आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं। और साथ में दोस्तों क्विक हम यहाँ पर स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस भी देखेंगे और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये स्मार्टफोन आपको दोस्तों 13,499 रुपये में जो है वो अमेजोन से देखने को मिल सकता है। तो वीडियो काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप आईक्यू जेड सिक्स 44 वाट वाला जो वेरिएंट है उसको खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को जो है वो शुरू करें। पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम डिज़ाइन से, जो कि एक स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस स्मार्टफोन की अगर डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो इस स्मार्टफोन में आपको जो है वो फ्रंट में ग्लास देखने को मिलता है, जो कि हर स्मार्टफोन में जो है वो फ्रंट में आपको ग्लास देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन का जो बैक पैनल है वो आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों इस स्मार्टफोन के जो फ्रेम्स है वो भी आपको जो है वो यहाँ पर प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर स्मार्टफोन की डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर इसका जो है वो इमेज देख ही सकते हैं। इस स्मार्टफोन की अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो मुझे इस स्मार्टफोन की डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छी लगी है। यहाँ पर आपको जो है वो बैक में डुअल कैमरास भी देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के मतलब साइज़ के बारे में तो ये स्मार्टफोन दोस्तों 6.4 इंचेस के एक AMOLED स्क्रीन के साथ आता है। ये दोस्तों स्मार्टफोन जो है वो फुल HD रिजोल्यूशन को यहाँ पर सपोर्ट करता है। और बात करें यहाँ पर डिस्प्ले मतलब यहाँ पर हर्ट्स की तो यहाँ पर आपको जो है वो नॉर्मल 60 हर्ट्स का जो है वो डिस्प्ले देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी जो है वो फास्टर रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलता। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको जो है वो ट्रिपल कैमराज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो पीछे का कैमरा है दोस्तों वो 50 मेगापिक्सल का है, साथ में आपको 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ऐसे ट्रिपल कैमराज देखने को मिलते हैं। दोस्तों कैमराज आईक्यू के स्मार्टफोन के अच्छे होते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पर फ्रंट कैमरा की तो दोस्तों फ्रंट में भी आपको जो है वो अच्छा कैमरा यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि है 16 मेगापिक्सल का। नॉर्मली दोस्तों इस प्राइस रेंज में आपको जो है वो मतलब 16 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं देखने को मिलता। ये स्मार्टफोन दोस्तों जब लॉन्च हुआ था तब इस प्राइस मतलब इस स्मार्टफोन की प्राइस जो है वो आपको पता है कि महंगी थी, पर अब ये जिस प्राइस पर आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है लगभग कार्ड के ऑफर के साथ अगर बात करूँ तो 13,500 के आसपास ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है। तो उस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के कैमराज यहाँ पर काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। यहाँ पर बात करूँ फ्रंट कैमरा की और बैक कैमरा की तो दोनों ही कैमराज इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छे निकल। यहाँ पर अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, जो कि एक स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, अगर आप एक स्मार्टफोन में से प्रोसेसर ही निकाल दें तो स्मार्टफोन को जो है वो पावर डिलीवर नहीं होगी। तो इस स्मार्टफोन में आपको जो है वो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि है स्नैपड्रैगन 680। अब ये दोस्तों प्रोसेसर जो है वो 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना है। यहाँ पर दोस्तों 6 नैनोमीटर का मतलब ये है, यहाँ पर नैनोमीटर का दोस्तों ये मामला होता है कि एक प्रोसेसर जितने कम नैनोमीटर का होता है वो उतना ही ज़्यादा जो है वो पावर इफिशियंट होता है। पावर एफिशियंसी मतलब पावर एफिशियंट से मेरा मतलब ये है कि वो प्रोसेसर दोस्तों उतना ही ज़्यादा कम यहाँ पर जो है वो पावर कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर जितना कम नैनोमीटर का प्रोसेसर होगा उतनी ज़्यादा आपको जो है वो उस स्मार्टफोन में जो है वो बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन जो है वो 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर आता है। तो यहाँ पर आपकी जो स्मार्टफोन की बैटरी है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम कंज्यूम होगी। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं बैटरी के बारे में तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस स्मार्टफोन में आपको जो है वो 5000 mAh की जो है वो एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और साथ में दोस्तों मैंने जैसा कि शुरुआत वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, इस स्मार्टफोन में आपको जो है वो 44 वाट का जो है वो फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। और ख़ास बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि अगर आप इस स्मार्टफोन को अभी खरीदते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से तो आपको स्मार्टफोन के साथ जो है वो चार्जर भी बॉक्स में ही देखने को मिलेगा। इससे पहले दोस्तों इस स्मार्टफोन के बॉक्स में चार्जर नहीं आता था, पर अभी मैंने दोस्तों जो है वो अमेजोन पे देखा है तो इस स्मार्टफोन में आपको जो है वो इन बॉक्स जो है वो चार्जर भी देखने को मिलता है। अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो खरीदने से पहले आप एक बार जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक जो है वो जरूर मतलब क्लिक करके चेकआउट करें कि इस स्मार्टफोन के साथ आपको जो है वो चार्जर देखने को मिलता है या फिर नहीं। जब मैंने देखा था दोस्तों तब इस स्मार्टफोन के मतलब साथ जो है वो चार्जर देखने को मिल रहा। तो इस स्मार्टफोन में आपको जो है वो एंड्रॉयड 12 देखने को मिलता है, साथ में आपको यहाँ पर जो है वो फनटच OS 12 देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों एंड्रॉयड 12 आपको देखने को मिलता है, पर यहाँ पर दोस्तों आपको जल्द ही एंड्रॉयड 13 का यहाँ पर अपडेट भी देखने को मिल सकता है।
अब दोस्तों यहाँ पर बात करें स्मार्टफोन के रैम वेरिएंट की, तो दोस्तों फिलहाल अभी जब मैंने अमेजोन पर चेक किया तो मुझे इसमें जो है वो एक ही वेरिएंट अवेलेबल दिखा, जो है दोस्तों 4GB रैम 128GB स्टोरेज। और दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से ये वेरिएंट बहुत से लोगों के लिए सही हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको 128GB की स्टोरेज देखने को मिलती है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है वो स्टोरेज कम नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर 4GB रैम भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सफिशियंट है। तो दोस्तों जो 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है उसकी अभी जो अमेजोन पर प्राइस है वो है दोस्तों 14,499, यानी कि दोस्तों लगभग आप 14,500 के आसपास कह सकते हैं। पर दोस्तों अगर आपके पास दोस्तों वन कार्ड का क्रेडिट कार्ड है, या फिर ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, या फिर HDFC बैंक, इन तीन बैंक में से अगर आपके पास किसी का भी क्रेडिट कार्ड है, इन तीन क्रेडिट कार्ड में से अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है, तो इस स्मार्टफोन की प्राइस आपको लगभग देखने को मिल सकती है 14,499 से लेकर आपको यहाँ पर सीधा 1,000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इफेक्टिव प्राइस इस स्मार्टफोन की निकल के आती है वो है दोस्तों 13,499। मतलब ये स्मार्टफोन आपको जो है वो 13,500 के आसपास जो है वो बैंक डिस्काउंट के बाद जो है वो देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों अगर आपको इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसा कहा कि लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से आप इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग जो है वो चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात निकल के आती है कि क्या 13,500 के प्राइस में हमें IQ Z6 44W खरीदना चाहिए या फिर नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इस स्मार्टफोन का और एक वेरियंट आता है, ये दोस्तों मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूँ 44W वाला। इसमें दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसमें 5G नहीं है, ये 4G स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर मेरा जो कंक्लूजन है आपको वो 4G स्मार्टफोन के हिसाब से ही दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं, तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों मतलब 4G स्मार्टफोन से अपना काम चला सकते हैं इस प्राइस रेंज में दोस्तों 13,000 से 14,000 के आसपास की प्राइस रेंज में दोस्तों लगभग आपको जो है वो 4G स्मार्टफोन ही देखने को मिलेंगे। तो अगर दोस्तों आप अपना 4G स्मार्टफोन से काम चला सकते हैं तो मेरे हिसाब से IQ Z6 44W एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। यहाँ पर अगर आप कैमरा को देखें तो इस स्मार्टफोन में आपको कैमरा भी अच्छा देखने को मिल रहा है उस 13,000-14,000 की प्राइस रेंज में। दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर भी यहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिलता है, साथ में दोस्तों डिस्प्ले भी इस स्मार्टफोन में आपको जो है वो अच्छा देखने को मिलता है, AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। हालांकि इसमें आपको हायर रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलता, पर डिस्प्ले यहाँ पर AMOLED है और प्राइसिंग दोस्तों 13,500 है तो यहाँ पर चल जाता है। तो दोस्तों बैटरी भी स्मार्टफोन में आपको अच्छी देखने को मिलती है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट 13,000-13,500 के आसपास है तो आप ये स्मार्टफोन जो है वो खरीद सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना भूल गया कि इस स्मार्टफोन में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। इस वजह से दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है वो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसे हम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर कहते हैं, उसे भी ये स्मार्टफोन जो है वो सपोर्ट करता है, जो कि अगेन दोस्तों 13,000-13,500 के आसपास कोई भी ऐसा स्मार्टफोन मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आप किसी इक्का दुक्का स्मार्टफोन को छोड़ दें जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस प्राइस रेंज में अवेलेबल करके देता है, तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है तो आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। अगर दोस्तों आपको IQOO कंपनी पसंद नहीं आती तो फिर बात अलग है, पर अगर दोस्तों आपको IQOO के स्मार्टफोन्स अच्छे लगते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को जो है वो मेरे हिसाब से बाय कर सकते हैं, मेरे तरफ से दोस्तों रिकमेंडेशन रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि IQOO Z6 स्मार्टफोन पर जो है वो ऑफर चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है, मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।